स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉयल मैथ्स एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, हाल ही में CBSE ने जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस करे हैं 9 to 12 के 2021 और 22 के बीच का जो सेशन है बच्चों, इसमें जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें CBSE ने क्या करा है बच्चों, आपके एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस करे उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चेंजेस क्या करे बच्चों, इस बार के सेशन में यानी 2021-22 के सेशन में वो आपसे पूछने वाला है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? तो बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली बता दूं, अभी तक हमारा जो भी 9 to 12 का CBSE बोर्ड का जो एग्जाम होता था है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी जिसको आप CBSE भी बोलते हो, वो अभी तक जो आपका एग्जामिनेशन लेता था उसमें 10th क्लास में जो उसका क्वेश्चंस का पैटर्न होता था बच्चों स्टार्टिंग का, उसमें वो क्या पूछता था, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब जो उसने चेंजेस करे पैटर्न में, वो ये करा है कि वो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप जो अभी 9th और 10th के एग्जामिनेशन में जिनका परसेंटेज होता था 60%, मतलब 60% के करीब 60% के करीब बच्चों आपको क्या आते थे, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, उसको डिक्रीज करके 50% कर दिया है। मतलब अब आपके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कम कर दिए गए, उसका परसेंटेज कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। और उसकी जगह वो क्या लेके आए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी क्षमता पर कैपेसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। और जो आपका बच्चों 11th और 12th का पैटर्न हुआ करता था, 11th और 12th में मल्टीपल चॉइस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो परसेंटेज होता था बच्चों वो होता था आपका 20%, ठीक है, और बाकी 20 में आपके बाकी ऑब्जेक्टिव होते थे। और आपका जो बच्चों ओवरऑल परसेंटेज होता था वो 70% होता था, किसका, लॉन्ग आंसर टाइप का और शॉर्ट आंसर टाइप का। तो इसको उन्होंने डिक्रीज करके कितना कर दिया, तो 70% से 11th और 12th का लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप डिक्रीज करके अब कितने पे ले आए, 60 पे। तो 9th और 10th का समझ में आया बच्चों, 9th और 10th का शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप उन्होंने 60% से 50% पे कर दिया और उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दिए। और 11th और 12th में क्या करा, 11th और 12th में जो 70% होता था वेटेज किसका, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप का, उसका डिक्रीज करके कितना कर दिया, 60%। ठीक है बच्चों, यह आया समझ में? तो अब ये होते क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले बच्चों आपको खाली 9 to 12 के जो भी पेपर होते थे उसमें वो आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता था। लेकिन बच्चों जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसका मतलब होता है बच्चों बच्चे की जो थिंकिंग पावर होती है वो चेक करना। तो इसमें आपको लीडरशिप पे बेस्ड, प्रैक्टिकल पे बेस्ड, सिचुएशन पे बेस्ड, लॉजिक पे बेस्ड, इंटर्नशिप पे बेस्ड, कम्युनिकेशन पे बेस्ड, ठीक है, इंटीग्रिटी पे बेस्ड, समझ गया बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे स्टूडेंट की इफिशियंसी का पता चलता है, समझ गया बच्चों। तो लॉजिकली आप कितना अच्छा अपना आंसर दे सकते हो क्वेश्चन को देख के बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन एड करे जाएंगे। तो समझ गए ना, जो लॉन्ग और शॉर्ट का वेटेज कम करा है उसकी जगह उन्होंने जो क्वेश्चन इंक्रीज करे हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंक्रीज करे हैं, है ना। जैसे 9th to 10th में जो आपका 60% वेटेज था किसका, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप का, वो 50 कर दिया है। तो ये जो 10% इंक्रीमेंट करा है ऑब्जेक्टिव का, है ना, तो 20% से अब ऑब्जेक्टिव का इंक्रीमेंट कितना होगा, 30% होगा, किसमें, 9 to 10th में। तो 9 to 10th में आपको 30% में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे, इंटीग्रेट भी रहेंगे, समझ गए बच्चों। ये 10% का इंक्रीमेंट इन्होंने ऑब्जेक्टिव में कर दिया है और उधर लॉन्ग और शॉर्ट से इसको कम कर दिया है। सिमिलरली फॉर्मूला किसमें अप्लाई करा बना, 11th और 12th में अप्लाई करा। 11th और 12th में क्या होता था, जो लॉन्ग और शॉर्ट का परसेंटेज आपका बच्चों कितना होता था, 70%, उसको डिक्रीज करके उन्होंने आपको क्या कर दिया है, 60 कर दिया, 60% लॉन्ग और शॉर्ट रहेगा। और जो इंक्रीमेंट हुआ है 20% का, वो किसका हुआ बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। तो समझ गए बच्चों, आपको मेरे हिसाब से अब नया एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ 10% के इंक्रीमेंट में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी कैपेसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो 9th to 10th में आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितने परसेंट रहेगा, 30%, और बाकी आपका जो लॉन्ग और शॉर्ट का है वो 50 और 20, टोटल 100%। सिमिलरली बच्चों आपका 11th और 12th में क्या वेटेज रहेगा, 20% का वेटेज रहेगा किसका, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 20% आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, और आपका जो क्वेश्चंस का है 60%, तो टोटल मिला के कितना बच्चों, 100%। आई थिंक बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा क्या मेन चेंजेस करें CBSE ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या है, इनको अगर आपको और डीपली समझना है तो बच्चों क्या करो, आप हमारे लेक्चर को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी लोगों के साथ भी क्या कर दो, शेयर कर दो। तो मैं अब लेक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप के आप
आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड या सिचुएशनल बेस्ड या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।